आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 642वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के जो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है वहाँ हम खड़े हुए हैं आज। ये जो जबलपुर की तरफ जाने वाली सड़क है और इस सड़क का चौड़ीकरण लगभग 4 महीने से हो रहा है, अभी तक काम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो पाया है। ये सड़क 13 किलोमीटर के लगभग की सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और अभी हम आपसे चर्चा करते हैं। ये अभी रखवाए हैं? हाँ सर। कब? ये अभी नहीं है, ये मतलब एक हफ्ता पहले का। ये एक हफ्ता पहले के हैं तो अभी आप भर के रख रहे हैं? जो वो लाइन अभी भर रहे हैं, वो लाइन अभी भर रहे हैं, उस तरफ वाले अभी भर रहे हैं, अभी भर रहे हैं। और अधिकारी अभी यहाँ कोई हैं? हाँ है सर। कौन है? सुपरवाइजर है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि सुपरवाइजर है, ठेकेदार जो बोला मैंने, ठेकेदार नहीं। और विभाग के अधिकारी? विभाग के अधिकारी भी है सर। कहाँ है वो? उधर साइड। अभी आप तो कह रहे थे विभाग के अधिकारी एक हफ्ते से नहीं आए। नहीं तो ठेकेदार जो हमको जो लगाया है, ठेकेदार ने बुलवाए हैं यहाँ पे, वो नहीं। तकनीकी काम कौन देखता है? सुपरवाइजर देख रहा है अभी। सुपरवाइजर तकनीकी काम देखता है। अधिकारी कौन से अधिकारी आते हैं जी? अधिकारी का तो नाम पता नहीं है अपन। कार से आते हैं? कार से आते हैं। कब आते हैं? वो सोमवार को आते हैं। सोमवार को। और उसके बाद कब तक रहते हैं? करीबन 3 घंटे रहते हैं। और उसके बाद फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार? ये नहीं है पता सर, हम यही साइड पे। इन्हें कुछ पता नहीं है। ये स्थिति है सिवनी में जो काम चल रहा है उसकी। हम नहीं कह रहे हैं सुपरवाइजर के भरोसे काम है, तकनीकी अधिकारी कौन है नहीं पता है। सिवनी में 13 किलोमीटर की सड़क यहाँ बन रही है और इस सड़क को 4 महीने से बनाया जा रहा है। सिवनी को एक तरह से प्रयोगशाला ही बना दिया गया है। जैसा कि अभी फोरकास्ट चल रहा है कि बारिश होने वाली है और बारिश अगर होती है तो ये काम प्रभावित हो जाएगा। 4 महीने का समय बहुत होता है। अगर विभाग के अधिकारियों को चाहिए तो पहले एक तरफ की सड़क खोदकर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर खोदकर उसे कॉम्पैक्शन कर दिया जाता है। उसके बाद 100, 200, 400 मीटर फिर कर दिया जाता है, फिर कर दिया जाता है, ऐसे करते करते पूरा कर देते। उसके बाद एक तरफ की सड़क अगर बन जाती फिर दूसरी तरफ की सड़क खोदी जाती। पर अभी दोनों तरफ की सड़कें यहाँ पर खोद दी गई हैं। खुदी सड़क आपको दिख रही होगी। ये स्थिति तब है, ये आलम तब है जब जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल के द्वारा 8 दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ये काम बहुत तेज गति से होना चाहिए। कितनी तेज गति से काम हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बैग्स रखे जा रहे हैं संकेत के लिए कि यहाँ काम चल रहा है, जबकि यहाँ पर सुरक्षा मानकों के हिसाब से स्ट्रिप लगनी होनी चाहिए। जहाँ भी आपने देखा होगा काम चलता है तो स्ट्रिप लगी होती हैं, दो दो तीन तीन स्ट्रिप लगी होती हैं। लगभग 2 फीट नीचे अगर कोई गाड़ी यहाँ गिरे तो दुर्घटनाग्रस्त होने से खतरा उसके लिए सदा बना रहता है। बसेस जाती हैं, ट्रक्स जाते हैं यहाँ से, पुराना बाईपास यहीं करीब में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस गति से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है। और इस सब ट्रैफिक के होने के बाद झींगा मस्ती जिसे कहते हैं, अधिकारियों और ठेकेदार की झींगा मस्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। खुदा पड़ा है यहाँ से वहाँ तक 13 किलोमीटर की सड़क। सिवनी शहर के लगभग 3-4 किलोमीटर के हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी हिस्सा पूरा खोद दिया गया है। जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि इस जल्दी काम किया जाए और उनके निर्देश के 8 दिन बाद सिर्फ यहाँ पर ये रखा जा रहा है, बैग्स को रखा जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अब वो जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनके हाथ में बैग अभी भी दिख रहा होगा, हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, जो ये जिसमें मिट्टी भर कर रख रहे हैं वो उनके हाथ में अभी भी है। और वे सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठेकेदार के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आखिर सिवनी को प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है ये समझ से परे है। सिवनी के 4 विधायक, 2 सांसद
6 जनप्रतिनिधि होने के बाद सिवनी को हमेशा सिवनी की गागर विकास के मामले में रीति क्यों रह जाती है, ये बात समझ से परे। सिवनी की तरफ जाने वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉन्स इतने सारे हैं, इन लॉन्स में पर्याप्त पार्किंग नहीं है। हर घर में एक कार है, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं, हर घर में कमोबेश एक कार है, और वे लोग अगर आते हैं यहाँ पर आकर शादी ब्याह में अगर कोई आता है तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था क्या है ये देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। सिवनी में सिवनी को एक तरह से प्रयोगशाला ही बनाकर रखा गया है। राजा दलपत शाह के नाम पर सिवनी में दलसागर तालाब है, और वो दलसागर तालाब की क्या स्थिति है, 70-80 साल के उम्र दराज लोगों का कहना है कि पहली बार उन्होंने ऐसा देखा है कि दलसागर बारिश में ना भर पाया हो। पहली बारिश निकल गई, दूसरी बारिश आने को है, दो बारिश झेल जाएगा बिना भरे हुए दलसागर, गंदगी से हटा पड़ा है। एक पैदल पाथवे बनाया जा रहा था पर दलसागर की सिल्ट अभी तक निकालने की कोई योजना नहीं थी। पता नहीं सिवनी के साथ खिलवाड़ सारे लोग क्यों करते हैं। 1200-1500 करोड़ की एक रेलवे की परियोजना थी, उस रेलवे की परियोजना में भी गुणवत्ता विहीन काम हुआ। बार बार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा दिखाया गया, 150 से ज़्यादा एपिसोड दिखाए गए। 150 के एपिसोड दिखाने के बीच में जब सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जो निवृत्तमान सांसद हैं, उन्हें लगा, शायद लगा होगा कि या उनके माफ कीजिए साथियों ने या उनके शुभचिंतकों ने कहा होगा कि वास्तविकता ये है और आप इसको क्यों नहीं उठाते हैं, तब एक पत्र सांसद निवृत्तमान सांसद के द्वारा 2020 में लिखा गया, जैसा उनके द्वारा प्रचारित किया गया, वो पत्र किसी के पास नहीं, उसका रिमाइंडर 2008 महीने बाद 2021 में भेजा गया, और 2024 तक काम कराने वाले मनीष लावणकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हमने आपको बताया दलसागर, दूसरा ये, तीसरा अभी कंपनी गार्डन बाग बगीचों के तरस रहा है सिवनी शहर। सिवनी शहर में शंकराचार्य पार्क बवरिया के बाजू में बना है, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, और वो बवरिया तालाब के बाजू का शंकराचार्य पार्क किस स्थिति में है आज हम देख सकते हैं। होना ये चाहिए था कि विधायकों, सांसदों को, प्रमुख सचिव नगरीय कल्याण को पत्र लिखना था, उनसे विधानसभा में प्रश्न करना था, और उसके जरिए जिस भी अधिकारी ने उस पैसे का आहरण किया है, निकाल करके ठेकेदार को दिया है, उसके उससे उस राशि को वसूला जाना चाहिए था। जिसने उसको सर्टिफाई किया उससे उसको वसूला जाना चाहिए था, अगर रिटायर हो चुके हैं तो उनके पेंशन से उसे वसूला जाना चाहिए था, पर ये सब नहीं। मॉडल रोड अभी तक मॉडल रोड पूरी तरह निर्मित नहीं हो पाई, उसके ऊपर ये दूसरी सड़क बनना चालू हो गई। मॉडल रोड के सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हो पाया। मॉडल रोड के बारे में कांग्रेस जब विपक्ष में थी, सत्ताधारी भाजपा के द्वारा मॉडल रोड का निर्माण कराया गया, जलावर्धन योजना, कांग्रेस सदा चिल्लाती रही, सदा से ही चीत्कार करती रही कि मॉडल रोड और जलावर्धन योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। पर जब कांग्रेस अभी सत्ता में है, 22 महीनों से मॉडल रोड और जलावर्धन योजना की जांच नहीं। कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आई, 15 महीने की सरकार रही, तब भी मॉडल रोड और जलावर्धन योजना की जांच नहीं हो पाई। आखिर क्या है, आखिर चाहते क्या हैं सिवनी में सिवनी के नेता, ये समझ से परे है। सड़क अगर आप देखें तो इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है कि इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, पर इस सड़क को चौड़ा करने के पहले मेजर रोड 1 मेजर रोड 2 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेजर रोड 1 का प्रपोजल शासन स्तर पर लंबित है, छिंदवाड़ा नाका बाई जो ओवरब्रिज है उसके पास से परतापुर भैरवगंज होते हुए नगजर बाईपास के वहाँ पर मिलेगी, ये आगे जाकर जहाँ बाईपास मिलता है वहाँ मिलेगी। मेजर रोड 2 कटंगी नाके के आसपास से बाबूजी नगर के पास से निकलकर एसपी बंगले के पास अगर लाई जाए, एसपी बंगले से पूरी चौड़ी सड़क आगे है, मेजर रोड 2 आपकी तैयार है। इस तरह 3 सड़कें हो जाएंगी और इन 3 सड़कों से आवागमन सुलभ हो जाएगा, शहर में जाम लगने बंद हो जाएंगे। जितने भी वाहन, रामजी श्रीवास्तव जब यहाँ पुलिस अधीक्षक थे तब उन्हें हमने ही उन्हें सुझाव दिया था कि अगर सारी बसेस को यहाँ लाया जाए, रजवाड़ा के बाजू से अगर मंडला और बालाघाट कटंगी की सड़क बसेस ले जाई जाएँ, या डालडा फैक्ट्री वाला जो रोड है वहाँ से मंडला और बालाघाट कटंगी की सड़कें बसेस ले जाई जाएँ,
या फिर यहाँ से ये नए बाईपास से ले जाया जाए। इस बारे में उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी देखी, इसे मान्य किया और उसके बाद बालाघाट मंडला की सड़क बसेज यहाँ से जाने लगी। छिंदवाड़ा और नागपुर की बसेस अभी भी शहर के अंदर से जाती हैं, उन बसेस को अगर यहाँ लाया जाए और हमारे पीछे यहाँ से सिमरिया जो आपको सब्जी कृषि उपज मंडी सिमरिया वाली सड़क यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा चौड़ा करके दो स्लिप रोड बना दी जाए। स्लिप रोड अगर दो बनती हैं यहाँ पर तो उन स्लिप रोड के जरिए बाईपास पर बसेस चढ़ जाएंगी और स्लिप रोड अर्थात जैसी छिंदवाड़ा नाके के आगे बनी हुई है उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, ऐसी यहाँ बना दी जाए, वहाँ से छिंदवाड़ा और नागपुर के लिए निकल जाएंगी, शहर के अंदर जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये स्थितियाँ हैं शहर इस सिवनी शहर को। इसके अलावा एक बड़ी समस्या जो अभी फ़िलहाल है, शराब ठेकेदारों का सिंडिकेट बन गया है, पूरे शहर को अहाता बना दिया गया है। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं है, उसके बाद भी यहाँ शराब की बियर के कैन पड़े हुए हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, जो इस बात की चुगली कर रहे हैं कि सिवनी को आहता बना दिया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर पुलिस अधीक्षक सुबह 5, 5:30, 6 बजे जाएँ तो वहाँ टीन टप्पर बीनने वाले अगर उनको मिलते हैं तो वे अगर उनसे पूछें तो 2 से 3 बोरा शराब की बोतल रोज पॉलिटेक्निक कॉलेज से निकलती है मैदान से, उसको आहता बना के रख दिया गया है। क्या चल रहा है सिवनी में पता नहीं। बहरहाल अभी पूर्वानुमान मौसम का है कि यहाँ बारिश हो सकती है और 15-20 दिन के बाद प्री मानसून रेंज चालू हो जाएंगी, उसके बाद बारिश चालू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ये सड़क बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? निश्चित तौर पर नहीं बन पाएगी। अधिकारी नहीं है यहाँ पर, वो कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि वे आते हैं, सोमवार को आते हैं, 2-3 घंटे के लिए आते हैं, उसके बाद फिर आते ही नहीं है। ठेकेदार गायब है, सुपरवाइज़र यहाँ काम करा रहा, तकनीकी अमला नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह रेलवे के काम में तकनीकी अमला लगातार गायब रहा। 2 फीट यहाँ पर गहरा है, 2 फीट अगर कोई गाड़ी यहाँ गिरती है तो निश्चित तौर पर 2 फीट के गिरने पर अगर नीचे कोई गाड़ी आती है तो दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यही स्थिति यहाँ से वहाँ तक 13 किलोमीटर की सड़क बन रही है, स्ट्रिप लगनी चाहिए यहाँ पर, सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्ट्रिप बकायदा होनी चाहिए। लॉन्स हैं, मैरिज लॉन हैं, उनके पास पार्किंग नहीं है, अगर उनकी पार्किंग नहीं है तो निश्चित तौर पर उन्हें पार्किंग के लिए पाबंद कराया जाना चाहिए। जब चाहे तब यहाँ पर जाम लगता है, जाम लगने के साथ जब ये मीडिया में ये खबरें आईं तो उसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा MPRDC के अधिकारियों को बुलाया गया और अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देश दिए गए और उनके निर्देश के 8 दिन बाद की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ अभी काम जस का तस पड़ा हुआ है। जिलाधिकारी अगर खुद औचक निरीक्षण करें, अगर वे पहले से बता के आएंगे कि यहाँ पर वे देखने जा रहे हैं तो MPRDC के GM मिस्टर भामर यहाँ खड़े मिलेंगे, ठेकेदार खड़ा मिलेगा, पर अभी हम जो आपको स्थिति दिखा रहे हैं अगर जिलाधिकारी खुद आकर यहाँ देखते हैं तो उन्हें पता लगेगा कि वास्तव में उनके निर्देशों का पालन कितना हो रहा है। सिवनी के साथ एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कहा जा सकता है कि जो भी जिलाधिकारी रहता है वो इतने कड़े निर्देश जारी करते हैं कि ऐसा लगता है कि दूसरे दिन से वो काम आरंभ हो जाएगा, पर जिलाधिकारी के कड़े निर्देशों का पालन किस तरह से होता है ये देखने की फुर्सत किसी को नहीं। यहाँ पर हम आपके सामने दिख रहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश किस तरह से उन निर्देशों का पालन हो रहा है। ये स्थिति है सिवनी की। आने वाले समय में अगर बारिश होगी तो जो मिट्टी किनारे किनारे आपको दिख रही है ये सड़क पर फैलेगी और फिसलन पैदा होगी, गाड़ियाँ फिसल सकती हैं। इसके लिए बाकायदा इंतजाम करने चाहिए। सड़क अगर ठेकेदार को बनानी थी तो 200-300 मीटर खुदाई करके उसको फिल करके फिर खुद आगे की 200-300 मीटर खुदाई करके फिल करनी चाहिए थी। ठेकेदार के द्वारा दोनों तरफ खुदाई कर दी गई है, अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी खुदा हुआ उस तरफ भी खुदा हुआ। ये स्थिति है सिवनी में। NTPC के पास हम खड़े हुए हैं और ठेकेदार के ही एक कर्मचारी जो हेलमेट लगाए हुए थे उसके द्वारा जो बात कही गई वो भी हमने आपको भी बताई। सिवनी में 4 विधायक हैं, सांसद अभी चुने जाने हैं, 4 विधायकों को एक बार आकर यहाँ इस जगह से, छपारा के विधायक रजनीश सिंह, माफ़ कीजिएगा, केवलारी के विधायक रजनीश सिंह बर्रा में रहते हैं, वे निश्चित तौर पर सड़क से जाते आते होंगे। योगेंद्र सिंह लखनऊ के विधायक हैं, वे भी सड़क से जाते आते होंगे।
केवलारी के विधायक हैं रजनीश सिंह, जिनके बारे में बताया, बरघाट के विधायक कमल मस्कोले भी इस सड़क से जाते आते होंगे और सिवनी के विधायक दिनेश राय भी इस सड़क से आते जाते होंगे। किसी को सिवनी की परवाह नज़र नहीं आ रही है, ये बात प्रतीत होने लगी है। इस सड़क बारिश में ये सड़क खुदी हुई सड़क परेशानी का सबब ना बन जाए, इस बारे में ध्यान देने की महती जरूरत महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 642वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 643वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।